मध्य प्रदेश में 1 मार्च को लाडली बहनों के खाते में आएंगे पैसे। एमपी में लाडली बहनों को इस बार तय समय से पहले ही राशि मिल जाएगी। वहीं यह भी माना जा रहा है कि सरकार इसलिए जल्द पैसा दे रही है कि मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। आचार संहिता लागू हो जाने के बाद तकनीकी दिक्कत न आए, इसलिए सरकार पहले ही राशि उनके खातों में डाल रही है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं। छिंदवाड़ा दौरे के दौरान सीएम ने एक बड़ी घोषणा की है। हर बार मध्य प्रदेश में 10 तारीख को लाडली बहनों को राशि मिलती है। इस बार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान कर दिया है कि लाडली बहनों के खाते में 1 मार्च को ही राशि आ जाएगी। जल्दी राशि आने की वजह से महिलाएं पर्व त्योहार की तैयारियां करेंगी। दरअसल मार्च महीने में शिवरात्रि और होली है। कई बार समय से पैसे नहीं मिलने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं पर्व त्योहार नहीं मना पाती हैं। ऐसे में मोहन यादव की सरकार ने फैसला किया है कि इस बार महिलाओं को 1 मार्च को ही उनकी राशि दे देंगे। 1 मार्च को राशि मिलने के बाद महिलाएं शिवरात्रि और होली की तैयारी कर सकेंगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों की संख्या 1.29 करोड़ है। सरकार हर महीने इन बहनों को 1250 रुपए देती है।